हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैं आज आया हूँ एक वन ऑफ दी न्यू पार्क जो हैदराबाद में ओपन हुआ है, जो घंटीपेट का पार्क था। एक्चुअली वो ब्यूटिफिकेशन के बाद जो है फिर से रीओपन हुआ है, मेरे आप पीछे देख रहे होंगे। सो मैं अभी जस्ट पहुँचा हूँ, सो क्विकली मैं अंदर जाऊँगा और आप लोग देखेंगे अतराफ में भाई बहुत ही प्यारा ब्यूटिफिकेशन का जो काम हुआ है। सो यहाँ से जो है घंटीपेट लेक, जिसे उस्मान सागर भी कहा जाता है, वो लेक दिखती है। सो मैं अभी सनराइज़ के लिए आया था, तो सनराइज़ तो हो चुका है। सो यहाँ हैदराबाद में बहुत सर्दी है, सो अभी मैं अंदर जा रहा हूँ गाइस। अंदर जाके आप लोग को बताऊँगा, क्योंकि इट इज़ अ फैमिली पैक, मस्ट विजिट है। आप लोग आइए विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। चलिए, मैं आगे बने रहिए वीडियो पे। जो भी मेरा पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। ऑलराइट, सो चलिए मैं आगे चल के आप लोग को बताऊँगा। जैसा आप लोग देखे होंगे, अभी मैं इंटर हुए बाद ये पूरा पाथवे है। सो ये पाथवे को फॉलो करते हुए मैं उस्मान सागर यानी घंटीपेट लेक के करीब जाऊँ। कैसे बीच में भी बहुत ही अच्छी चीगा है, देखिए आप लोग। फ़ोटोग्राफ्स के लिए तो जो फ़ोटो फ्रीक्स है, जिसे फ़ोटोज़ लेने का बहुत शौक है गाइज, बहुत ही प्यारी जगह है। देखिए आप, ये देखिए बहुत ही प्यारी जगह है। सो यहाँ का टिकट आप लोग को बताता चलूँ, यहाँ पे टिकट है 50 रुपीज़ जो है एंट्री टिकट है पर पर्सन, एंड दे आर चार्जिंग 10 रुपीज़ फॉर पार्किंग। तो ये पार्क का देखिए बहुत ही प्यारी जगह है गाइस। इनफैक्ट मैं अभी जो नोटिस कर रहा हूँ गाइस, यहाँ पर प्री वेडिंग शूट्स भी आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत टाइम से ये बंद था पार्क। ये देखिए बहुत ही प्यारा व्यू है गाइस। चलिए मैं क्विकली अभी आगे जाऊँगा। जो है बैरिकेड लगाए हैं लेक तक नहीं आने के लिए। ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू इज ऑसम गाइस। देखिए बहुत ही प्यारे जो है फ्लावर्स अतराफ में लगाए हैं। सो वॉकिंग ट्रैक्स भी बनाए, और साथ ही साथ जो है आपको साइकिलिंग ट्रैक्स भी मिलेंगे। बहुत ही बड़ा है गाइस पार्क। सो अभी मैं एक फेज़ में आया हूँ। अब सामने देख रहे होंगे आप, जो हट की तरह बना हुआ, वहाँ पर भी जाकर आप लोग को मैं बताऊँगा। सो स्टे ट्यून ऑन दिस वीडियो। गाइस, आई वुड रेकमेंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम दिस पार्क, सो आप लोग जो है वीकेंड में मत आइए गाइस। बहुत पब्लिक है यहाँ पर। सो अगर आप आना भी चाह रहे हैं तो जो है अर्ली मॉर्निंग अगर आप आए तो ये पार्क को जो है आप बहुत ही खामोशी से एंड पीसफुली जो है आप सुबह में घूम सकते हैं। ये पूरा पार्क गाइस बहुत ही प्यारा पार्क है भाई गाइस। चलिए मैं आई एम जस्ट गोइंग टू एन अनदर लोकेशन, एंड वहाँ पर जाकर देखेंगे। एंड ये जो अभी ब्यूटिफिकेशन का प्रोसेस हुआ है, उसके बाद देखिए आप, बहुत ही प्यारा जो है लुक है। इनफैक्ट जो है फ्लावर्स अगर आप देखेंगे, ये भी बहुत प्यारा दिख रहा है। देखिए आप, लोकेशन है विद इन द सिटी। आप लोग आके जो है यहाँ पर फोटोग्राफ्स, जो भी फोटो फ्रीक्स है, आई मस्ट से दे शुड विजिट दिस वन टू द लेक, सो दैट आप लोग को मैं बता सकूँ। एंड इनफैक्ट आई एम गोइंग टू ऐड फ्यू टाइम लैप्स, सो होप यू आर एंजॉइंग दिस वर्चुअल ट्रैवल। सिट बैक एंड एंजॉय। देख रहे होंगे ये पूरी लेक है, एंड सन इज आउट,
सो बहुत ही प्यारा जो है व्यू है। एंड इनफैक्ट गाइज देखिए, आप अभी मैं बता रहा हूँ आप लोग को, यहाँ पर जो है बैठने का भी अच्छा जो है प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं, सो दैट अगर आप लोग सनसेट के लिए भी आ रहे हैं तो बहुत अच्छा व्यू है ये। ये जो मैं आपको बोल रहा था, यहाँ पे पूरा स्टेप्स और एक प्लेटफॉर्म है कम्प्लीटली बना हुआ, जहाँ पर आप लोग पूरा जो है बैठकर कम्प्लीटली आप लोग वॉच कर सकते हैं। देखिए यहाँ से पूरा जो है गंडीपेट का व्यू आता है। देखिए गाइस, पूरा व्यू आपको जो है यहाँ से गंडीपेट का दिखेगा। Alright guys, so almost hope you have enjoyed the time lapse जो आप मेरे right hand पे दिख रहे होंगे। ये पूरा seating platform है। So अभी मैं जितना भी हो सके उतना पूरा cover करा हूँ। बहुत ही प्यारा जो है अंदर park बनाया है। So आप लोग को बोलूँगा कि एक must visit है। So यहाँ पर guys food stalls वही कुछ नहीं है। So you can carry the food and there is no restrictions on camera as well. So आप लोग cameras भी लेके आ सकते। तो अभी ये newly open हुआ है park, तो अभी कुछ ऐसे restrictions तो अभी नहीं है। So maybe in future हो सकते हैं। So आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये पूरा जो है cycling track भी है और walking track भी है। Alright guys, so it's time to end this vlog here. So please do subscribe my channel and don't forget to hit the notification bell so that whenever I upload a new video, you will get the notification. And guys, don't forget to follow me on Instagram page. My Instagram page ID is Hyderabad Biker Moto Vlogs. Alright guys, बस आज की वीडियो में इतना ही। होप यू हैव enjoyed द वीडियो। सो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिए गाइज। आप लोग के कमेंट्स और आपके लाइक्स देखकर मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। सो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। यू हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय।